इसी बीच में हमारे पास में जो 2100 रुपए का पुरस्कार सांसद डिंपल जी की तरफ से आया है, आदरणीय भाभी जी को राधा रानी जी का कोई भजन सुना दे, राधा रानी जी का कोई भजन सुना दे, क्योंकि माननीय सांसद महोदय अभी भाई एक जैसा कि खैर कहने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, और मैं यहाँ बैठा हूं तो राजनीति नहीं कर रहा हूं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब वो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हमारे जो भाई लोग हैं, मैं जब उनसे मिलता हूँ बेचारे बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके और रोड पे भाग भाग करके बड़े परेशान हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बेरोजगार भटक रहे। दो लाइनें हमारे दिमाग में आ रही हैं, तो हम माननीय श्रीमान अखिलेश जी के लिए, अध्यक्ष जी के लिए एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है, तो हम उनके लिए कि आप यहाँ पे आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भागवत कथा से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख के जाएंगे, और ये अच्छी बातें हम अपने बच्चों को भी सिखाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माताओं बहनों का जो भारी संख्या में है, आज तो आप लगभग 60% नजर आ रही है मुझे, यहाँ ज्यादा लोग हैं उधर उस तरफ कम लोग हैं, हाँ लगभग 60-75% महिलाएं नजर आ रही हैं, 25% पुरुष नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि पार्टी के भी कार्यों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं नजर आए, कम महिलाएं नजर आती है हमारे संगठन से कहना चाहूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी माताओं बहनों का और सभी आदरणीय बुजुर्गजन और काकनगांव और आसपास से गांव से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। असलम भाभी, जो आज कुराली में घटना हो गई है, जो एक्सीडेंट वाली राजू भैया, उनका जो है डीलर का गांव, ये पड़ोस में गांव खटुलिया है, तो इसलिए नदी पार के लोग आज कथा में नहीं आ पाए, और कथा जल्दी शुरू हो गई है, और भाभी जी से पुनः निवेदन करेंगे कि पहली बार हमारे गांव में आई हैं, और ये लास्ट बॉर्डर का गाँव है हम लोगों का, इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखें। और शास्त्री जी का कहना है कि भाभी जी एक मेरा भजन सुन लें, एक मिनट बस, उसके तुरंत बाद चली जाए, ये हमारे कथावाचक जी हैं, उनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे साथ जी चलिए चलिए इसी क्रम में भाभी जी से निवेदन करेंगे कि हमारे परिवार पर, हमारे गांव पर, हमारे क्षेत्र पर, हम सब लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब लोगों को आशीर्वाद दें।